जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्यकर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार। बाइबल क्या कहती है नामक कार्यक्रम की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जीवन की उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनका संबंध हमारे व्यवहारिक जीवन से है। आज का विषय है लालच बुरी बला है। हमारे साथ अमर जी हैं जो इस विषय में हमें बताएंगे। जी अमर जी, मेरी तरफ से भी दर्शकों का नमस्कार। लालच बुरी बला है तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियों में हम लोग इस चीज़ को हमारे प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं। हमारी शादियों में अगर तो धनी परिवार है वो तो शादियों में जितना मर्जी खर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कर्ज तक लेते हैं दिखावे के लिए। और जीवन की और बहुत सारी चीज़ों में लालच, दुकानदारी में आप सही दाम नहीं लगाते और दहेज का लालच, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको बाइबल से ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का क्या दृष्टिकोण है लालच के बारे में। जरा आप पढ़िए बाइबल से 1 तिमोथी 6:10, उसमें क्या लिखा है परमेश्वर। 1 तिमोथियस 6:10। जी, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने पढ़ा कि पैसे का प्रेम बुराई की जड़ है, पैसा नहीं, पैसा तो हमारी सबकी आवश्यकता है जी। गरीब की आवश्यकता, अमीर की आवश्यकता, मध्यम वर्ग की आवश्यकता, हर एक की आवश्यकता। लेकिन जो पैसे का प्रेम है, जो आपका रुझान है जी, वो जो रुझान है कई बार हमें बहुत गलत परिस्थितियों में डाल देता है। बाइबल में ये भी लिखा है कि जो आदमी अपना धन संचय गलत तरीकों से करता है, ये उस व्यक्ति के लिए एकत्रित कर रहा है जो गरीबों को दे देगा। आप दूसरी बाइबल की वर्स पढ़िए, भजन संहिता 62:10 में, उसमें क्या परमेश्वर की सलाह है। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। धन्यवाद। आपने हम बंदर की कहानी तो पढ़ी ही होगी। वो जो एक बंदर था वो एक घर में घुस गया और उस घर में एक घड़े के अंदर छोले चने कहते पड़े हुए थे, उसने हाथ डाला। अब अगर वो थोड़ा सा चने लेकर हाथ निकाल ले तो निकलता था, लेकिन उसने पूरा भर लिया। जब वो भरे तो उसका हाथ ना निकले, तो ये कहानी हमारे यहाँ सुनने को आती है। तो घर का मालिक आ गया, उसने बंदर को पकड़ लिया। तो यही चीज, यही दृष्टांत हमारे प्रतिदिन के जीवन में। कई बार जो लालच है वो हमें अनंत जीवन से वंचित कर देता है, बहुतायत के जीवन से वंचित कर सकता है। जब हम बाइबल के परमेश्वर की बात करते हैं तो बाइबल के परमेश्वर का नाम हिब्रू जमान में, जो इब्रानियों की जमान है, जहाँ से बाइबल की शिक्षा आई है, जहाँ से बाइबल का सारा इतिहास है, उसमें लिखा है अलशदाई। अलशदाई का मतलब है वो परमेश्वर जो हमें आवश्यकता से अधिक दे सकता है। अगर हमें आवश्यकता से अधिक दे दे तो हमें लालच करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ना तो हमारी तिजोरी और ना ही हमारा बैंक बैलेंस, ना ही हमारी चेकबुक, ना हमारा किसी और बैंक में पैसा हमारे साथ जाएगा।
तो हमें उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए जिस दिन हमारा जीवन ले लिया जाएगा। इस जीवन की आवश्यकता हमारी पूरी होते हमें उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसके तौर तरीकों के हिसाब से धन को संचय करने चाहिए। और ये भी लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में आप दसवांश चढ़ाओ। आप मलाकी की पुस्तक में ये लिखा है, जो बाइबल की एक पुराने नियम में अंतिम पुस्तक है, उसमें लिखा है कि अपने दसवांश जो भेंटे हैं आप मेरे मंदिर में लाओ जिससे तुम्हारे घर में खाना हो। बहुत से लोग दसवांश की इस बात को नहीं जानते। जो आपने शब्द बोला है दसवांश, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपनी आमदनी का दसवां हिस्सा जी। जैसे अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो 1,000, 20,000 कमाते हैं तो 2,000, 30,000 कमाते हैं तो 3,000, परमेश्वर के काम में लगाइए। अच्छा। वहां लगाइए जहां परमेश्वर के बारे में बताया जाता हो, या किसी गरीब को दान दीजिए जिससे उस पैसे का सदुपयोग किसी की हेल्प करेगा। जब आप वो दसवांश देंगे तो जो आपका 90% बचेगा परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आप उसका सदुपयोग करेंगे और वो पैसा बढ़ेगा जी। ये बड़ा अजीब लगता है, देने से मिलता है, क्योंकि बाइबल आरंभ से अंत तक देने की बात करती है, लेने की नहीं जी। जब हम देते हैं तो हमें मिलता है। सबसे पहले जब हमने कहा कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं तब प्रभु हमारी देखभाल करता है। इसी तरह धन भी है, जब आप देते हैं तो आपको मिलेगा। इसी तरह परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, उसने अपना पुत्र दे दिया हमें बचाने के लिए जी। तो बाइबल देने के ऊपर जोर देती है। देने का मतलब तो ये तो है कि हम लोग बहुत अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन पर ऐसा दिया देना होना चाहिए जिसका जो लाभ है वो अनाथों को, विधवाओं को, गरीबों को। आप किसी की शिक्षा में इन्वेस्ट कीजिए, किसी गरीब बच्चे को दीजिए, किसी विधवा को दीजिए, कोई ऐसा अपाहिज है उसको दीजिए, कोई अंधा है लूला, जो जो जिसके देने से परमेश्वर खुश हो जी। एक बार ऐसी भी कहानी है बाइबल में, एक ऐसी शादी का वर्णन है कि एक बार एक राजा ने अपनी शादी में लोगों को बुलाया। उसने बोला मेहमानों को इनविटेशन लेटर जैसे कहते हैं पत्र भेजे, तो बहुत से लोग आने को तैयार, बोले मेरे पास टाइम नहीं है जी। तो उस राजा ने बोला देखो ये लोग तो आने को तैयार नहीं है। तो परमेश्वर ने बोला तुम सड़कों पर जाओ और जितने भी सड़कों पर बैठे हैं, भिखारी हैं, दूसरे लोग, उनको सबको बुला ला और वो मेरे इस भोज में शामिल होंगे। तो उसमें से परमेश्वर उन लोगों को निमंत्रण करता है जो उसको अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करते। बहुत से लोग तो उसको स्वीकार करते ही नहीं, उनके पास टाइम भी नहीं है, उनके पास वो ही नहीं है, वो अपनी ही उसमें लगे रहते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर को अपने जीवन यात्रा में संग लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल, आप अगर अपने किसी बोट में या जहाज में सफर किया होगा तो आप देखते होंगे कि जहाज पे कई बार ऊपर मस्तूल पर या शिप के ऊपर एक चिड़िया बैठती है, कई वो चिड़िया बैठती है और वो देखती है चारों तरफ समुद्र समुद्र, तो पहले घूम घाम के देखती कहीं मुझे जमीन कहीं नहीं मिलती, तो वही वापिस आ जाती है। तो मैं और आप भूल जाते हैं कि हम जिस परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है उसी परमेश्वर के पास हम चले जाएंगे, जो उसने हमें धन संपत्ति मकान ये सब दिया है, वो हम तो उसके स्टूअर्ड हैं, हम तो उसके रक्षक हैं, हम वो हमारा नहीं है। बाइबल में ये लिखा है कि उसने ये धरती हमें दी है, लेकिन जीवन के वो वर्ष जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं वो सिर्फ उसकी चीजों की संरक्षण करने के लिए दी। मैं हर चीज का मालिक नहीं, मालिक तो वही है जी। तो इसलिए परमेश्वर का वचन ये बताता है कि धन कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पर करनी चाहिए, और लेकिन जो लालच है वो बुरी बला है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन बार बार ये कहता है कि लालच की जो आत्मा है वो हमें गलत चीजों में लगा देती है जी। पैसे का होना और पैसे का लालच करना दो अलग अलग बातें हैं। इसी तरह से परमेश्वर को जानना
और परमेश्वर के बारे में जानना भी दो अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं लेकिन उसको नहीं जानते हैं। तो बाइबल का जो परमेश्वर है वो ये अपेक्षा करता है कि हम उसे व्यक्तिगत रूप से जाने। जब व्यक्तिगत रूप से जानेंगे तो हम उसकी विधियों पर चलेंगे, और एक उसकी विधि ये है कि लालच नहीं करना चाहिए। जी अमर जी, हम अपने पैसे को किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं? देखिए, पैसा ये है कि सबसे पहले तो आप परमेश्वर को दें जी, उसके बाद आपने परिवार के उसमें यूज इस्तेमाल करें, और उसके बाद और जगह पर लगाएं जो भी इन्वेस्टमेंट आप, तो वो आपको एक बार आपने दशमांश दे दिया और उससे ऊपर थोड़ा सा दे दिया, उसके बाद आपको अपने जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इस चीज का सम्मान करेगा कि आप उसका सम्मान जी। आप जिसे कहते हैं फर्स्ट फ्रूट, अपनी जो आमदनी की पहला जो फल है आप उस परमेश्वर के काम में लगाते हैं, तो आप उसको पवित्र कर रहे हैं। 10% लगा के आप 90% इनकम को पवित्र कर रहे हैं, तो आप या आपका परिवार या आपकी पत्नी या आपके बच्चे कोई भी ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको रोकेगा जिससे वो पैसा खराब हो जाए। जब आप परमेश्वर के काम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बेशक आप 100% को 200 बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पैसा किसी तरह से इधर उधर लग जाएगा गलत चीजों में, या कोई आपसे बहुत ज्यादा बिल बना देगा किसी चीज का, या आपकी पत्नी बहुत ज्यादा साड़ियां खरीद लेगी, तो वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक नियम है पर कि अपने दशमांश को अपने। और जैसे कि एक व्यक्ति कम कमाता है लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत ढेर सारी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम अंग्रेजों ने सिखाया था कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर पीस। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कर्जा लेके शादियों में लगाने का क्या फायदा, सारी उम्र रोते रहोगे, एक दिन तो आप खुश रहोगे लेकिन बाद में रहोगे। इसलिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक है कि आपके पास जितना पैसा उसी हिसाब से चलना चाहिए। मेरे हिसाब से कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपको घर बनाने के लिए या कोई व्यापार में कर्ज आप तब लें कि जब आप ये कैलकुलेट कर लें कि सचमुच मैं दे पाऊंगा, क्योंकि जो कर्ज लेने वाला है ना, कर्ज देने वाले का गुलाम बन जाता है। परमेश्वर मुझे और आपको गुलामी से बचाना चाहता है। दूसरे शब्दों में, अगर हमारी इनकम 10,000 है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे 10 से 12, 13, 15 कर दे जिससे मैं खर्चे चला सकूं। आप 10,000 से करोड़पति बनने की जो आकांक्षा है वो लालच है। जी जी अमर जी, बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें सुनकर, और सीखने को भी मुझे भी मिला है, और मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिला है। और इस समय हम एक छोटा सा गीत सुनेंगे, और गीत के बाद हम इसके बारे में और बातचीत करेंगे। भर दे मुझे, भर दे, भर दे, भर दे मुझे, भर दे।
सबब से जिंदा हुए हैं, रूह के मुताबिक चलते रहे। उसके वचन पे अमल करें और मन जो चाहे वो न करे। नसीहत रूह की माने, मसीह को अव्वल जाने। नसीहत रूह की माने, मसीह को अव्वल जाने। ख्वाहिशों को अपनी क्रूस पे रखे, ख्वाहिशों को अपनी क्रूस पे रखे। रूह के कामों में नहीं होती कभी बुराई। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम। पाक रू से भर जाए आत्मा के पल्लाए। पाक रू मुझे अपने मसा से भर दे। पाक रू मुझे अपने पलों से भर दे। जैसे मसीह ने की है मोहब्बत और खुद को कुर्बान किया, उसकी तरह हम बनते जाएं, ये उसने पैगाम दिया। कहीं धोखा ना खाना गुनाहों में नाना, कहीं धोखा ना खाना गुनाहों में नाना। खो ना जाना दुनिया की राहों में, खो ना जाना दुनिया की राहों में। अंधेरा था पहले नई रोशनी आई, प्रेमानंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम। रूहे पाक से भर जाए आत्मा के पल्लाए। मुझे अपने मसा से भर दे। पाक रू मुझे अपने फलों से भर दे। पाक रू मुझे अपने फलों से भर दे। पाक रू मुझे अपने मसा से भर दे। गाने के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम लालच बुरी बला है इसके बारे में बात कर रहे थे और हमें अमर जी इसके बारे में बता रहे थे। हम अमर जी से इसके बारे में और पूछेंगे। जी अमर जी, हमें बताएं। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम धन को इकट्ठा करें, सोने को इकट्ठा करें, बैंकों में पैसा डालें और बॉन्ड्स खरीदें और इन्वेस्ट करें, जिससे पैसा हमेशा बढ़ता रहे। अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं कि जीवन की सुरक्षा के लिए हम सबको पैसा चाहिए, पेंशन चाहिए जी। लेकिन वो क्या होता है कि वो पैसा हमारे लिए बहुत बड़ा वो बन जाता है, जैसे कहते हैं अवरुद्ध कर देता है हमारा मार्ग, कि हम परमेश्वर की खोज नहीं करते जी।
बाइबल में लिखा है कि अपने पैसे को वहां इन्वेस्ट करो जहां वो काम आए। अगर हम गरीब आदमी पर, परमेश्वर के राज्य के विस्तार पर या और ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो हेवन में रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन जहां पर धरती पर वो कहते हैं कि चोर ना उठा लें, दीमक ना खा जाए, इस तरह का बाइबल में विवरण है। और बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर हमें जिस तरह से आत्मिक उन्नति देता है उस तरह से आर्थिक उन्नति भी देता है। अगर हम उसके सिद्धांतों पर चलें, उससे बुद्धिमानी मांगे, प्रभु तू मुझे समझ दे, प्रभु तू मुझे इतना दे कि मैं जरूरत से ज्यादा मेरी कमियां पूरी हो जाए, तो वो परमेश्वर आपको आर्थिक उन्नति भी देगा। अगर आप किसी व्यवसाय में, इंजीनियर में है, समझ देगा। अगर आप व्यापार में है, व्यापार को बढ़ाएगा। लेकिन जो दशमांश देना और बुद्धिमानी मांगने का जो समन्वय है वो पैसे को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों हमारे हैं उनको हमेशा कमी रहती है, कुछ लोगों को गरीबी के शिकार है, कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब है। तो इस सब सिद्धांतों के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में ये बताया है। आप पढ़िए व्यवस्था विवरण, उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो आपके साथ क्या होगा। जी, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाशरूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उदार देगा, परंतु तुझे किसी से उदार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। ये जो संदेश है उस वक्त परमेश्वर ने इज़राइल नामक देश में दिया जो वहां पर एग्रीकल्चर सोसाइटी थी। हमारा भी देश है, 60% से ज्यादा लोग खेती करते हैं। हमारे यहाँ हमारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कर्ज लेते हैं, बैंक से दे नहीं पाते। तो अब कितनी अखबारों में हम लोग रोज पढ़ते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने से हो सके उनको इससे सत्य का पता नहीं है। वो जानते नहीं कि परमेश्वर उनके खेत में मेह बरसाएगा। उसमें लिखा समय से मेह बरसाएगा, उसमें ये लिखा है कि परमेश्वर तो आप दूसरों को उधार दोगे पर किसी से उधार नहीं लोगे। और उसके बाद आपके जीवन में घर के अंदर जब आप होगे, जब आप बाहर जाओगे, तो हम जीवन में जो भी करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे हम खेती करते हैं, चाहे हम व्यापार करते हैं, चाहे हम उद्योगपति हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या चाहे हम जो भी काम करते हैं, हर चीज़ में परमेश्वर यहाँ वायदा करता है कि वो अपनी संतान को जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके साथ वाचा बांधते हैं, जो उसको मानते हैं, जो उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उससे पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वह अपनी हमारी बेशक वो जरूरतें
मानसिक हो या शारीरिक हो पूरी करेगा। लेकिन यह है कि हमारे को इस बात का मालूम नहीं है, तो हम लोग धन संचय में अपने जीवन को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जीवन, बहुत से लोगों के जीवन में कमी है, हैंड टू माउथ है, बहुत से लोगों को कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन उनको इन रहस्यों का मालूम नहीं है कि जो भी कम और ज़्यादा इनकम हो उसका दशमांश देना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसके साथ संबंध बनाने चाहिए, अपना संरक्षण, अपनी सुरक्षा उसको छोड़ देनी चाहिए, उसको उसके साथ संबंध बनाने चाहिए जी। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तेरे लिए आशा और तेरा भविष्य है, मैं तुझे आशा और भविष्य दूंगा। लेकिन यह है कि क्योंकि परमेश्वर के वचन को लोग जानते नहीं है, परमेश्वर के वायदों को लोगों ने पढ़ा नहीं है और उसको समझा नहीं है, और परमेश्वर के वचन के बारे में ठीक से ज्ञान नहीं है, तो बहुत से लोगों का जीवन चला जाता है, बीमारी में चला जाता है, दुख संकट में चला जाता है, कुछ लोग परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग उनका जीवन में इतनी डेस्परेशन होती, इतनी निराशा होती है कि उनको आशा की जो किरण है वह नजर नहीं आती है। तो इसीलिए परमेश्वर ने ये कहा है बाइबल में कि जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जी। गरीबी हमें नाश करती है, बहुत ज्यादा पैसा या लालच भी हमें नाश करता है, दोनों करते हैं ना, और बीमारी हमें नाश करती है, दुख तकलीफ कर्जा हमें नाश करता है, इन सब चीजों का जो प्रोविजन है, जो प्रबंध है, प्रभु ने उसके बेटे यीशु मसीह में किया है कि यीशु मसीह का बलिदान हमें जीवन की हर उपलब्धियों और आशीर्वादों को ला सकता है। लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है कि जब हमारा नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिख दिया जाएगा, जब हम उसे विश्वास करेंगे, तो सबसे बड़ा जो भय जीवन में है, मृत्यु का भय, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाइबल इस बात पर जोर देती है कि अपना जीवन, अपने पापों को अंगीकार करो और परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता बनाओ, उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसकी आज्ञाओं पर चलो। जी अमर जी, बहुत ही अच्छा लगा जो आपने आज हमें बताया है, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये बातें पसंद आई होंगी और इससे आशीष मिली होगी। मैं चाहूँगी कि हम इस समय अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें और उन्हें आशीष दें। आइए। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने दर्शकों के लिए जो हमें सुनते और देखते हैं, पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए, और जो इस तकलीफ में उलझे हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बाहर निकालिए, अपने नियंत्रण में लीजिए। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप इस विषय पे और जानकारी चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।